हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की पार्ट 5 और 6 को सॉल्व करूंगा। तो पार्ट 5 है t² - 15। इसमें हमें जीरोस फाइंड करनी है और रिलेशन दिखाना है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच। तो जीरोस फाइंड करने के लिए अगर दो टर्म हो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, तो जीरोस फाइंड करने के लिए इसको हम डायरेक्ट जीरो पुट करते हैं और जीरोस t² - 15 = 0, t² = 15। माइनस में राइट साइड लाएंगे तो प्लस, t = ±√15। अगर कोई भी स्क्वायर में हो, यहाँ पर अगर स्क्वायर है = है, तो स्क्वायर जब भी यहाँ से हटाएंगे तो प्लस माइनस में आता है, x = ±√a। तो यहाँ पर एक अल्फा = हो जाएगा √15 एंड एक को बीटा मान लेते हैं तो −√15। ये दो जीरोस हमें फाइंड करनी थी, अब हमें रिलेशन दिखाना है। तो रिलेशन के लिए होता है अल्फा प्लस बीटा −BYA एंड अल्फा इंटू बीटा −CYA। तो अगर हम LHS को ले चलते हैं और RHS को ले चलते हैं, दोनों अगर सेम आ जाए तो यही रिलेशन वेरीफाई करनी है। अल्फा प्लस बीटा अल्फा है √15 प्लस बीटा −√15 = 0। प्लस माइनस माइनस √15 और −√15 = 0। अब −BYA, तो इसे हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c। ये जनरल टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पर x² का टर्म है, x का टर्म यहाँ पर नहीं है, तो कोई भी अगर x का टर्म नहीं है तो b का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, t² + 0 × t −15। तो a = 1, अगर कोई भी नंबर नहीं हो तो 1 छुपा हुआ रहता है, b = 0 एंड c = −15। अब हम इसे इसमें पुट करते हैं, माइनस b = 0 और a = 1, तो 0 by 1 = 0। तो LHS और RHS दोनों सेम है, अल्फा प्लस बीटा −BYA। ये फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हुआ। अब हमें सेकंड पार्ट वेरीफाई करना, अल्फा प्लस बीटा −CYA। तो अल्फा इंटू बीटा LHS पहले लेके चलते हैं, तो α = √15 और β = −√15। तो ये हो जाएगा −√15। अब RHS में CYA, तो c = −15 और a = 1, तो −15/1 = 15। इसमें भी LHS RHS दोनों सेम है, तो ये सेकंड पार्ट वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा −CYA वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है √3x² - x - 4। तो इसमें भी जीरोस फाइंड करना है और ये इसमें थ्री टर्म है, तो थ्री टर्म अगर रहता है तो कांस्टेंट टर्म और x² कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में हम साइन को नहीं लेके चलेंगे, तो हो जाएगा 12। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब 12 कौन कौन से टेबल में आ सकता है, तो 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। यहाँ पर अगर माइनस साइन है तो दो नंबर्स को माइनस करके देखते हैं, जिससे मेरा 1 आ जाए, उसी नंबर्स को लेके चलेंगे। तो 12 में 1 को माइनस करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 6 में 2 को माइनस करेंगे तो भी 1 नहीं आएगा, 4 को 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² - 4x
4 ग्रेटर नंबर को आगे रखेंगे, माइनस 3x माइनस 4, 3x स्क्वायर, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब फर्स्ट टू टर्म्स से हमें कॉमन लेना है, तो इसमें केवल x कॉमन है 3x माइनस 4, और इसमें कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन लेते हैं 3x माइनस 4। अब ये दोनों को साथ में लिखते हैं x 3x माइनस 4 और x प्लस 1। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हम जीरो पुट करते हैं, 4 जीरोस 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन 3x, ये टर्म 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4/3। अब ये टर्म लेके चलते हैं, वेन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसका ये हमें दो जीरोस फाइंड करनी थी, तो इसे हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो इसे हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ये आंसर हो गया कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू माइनस 1 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 4। तो फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा लेके चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू 4/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1। दोनों का एलसीएम 3, 4, माइनस प्लस माइनस, डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं हो तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो 1/4, 4 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा अब माइनस बी बाई ए लेके चलते हैं, तो माइनस बी गिवेन है माइनस 1 और ए इज इक्वल टू 3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, यहाँ 3 होगा। तो ये दोनों से सेम है, तो फर्स्ट पार्ट वेरीफाइड हो गया माइनस बी बाई ए। अब हमें सेकंड पार्ट को वेरीफाई करना है, तो सेकंड पार्ट में होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो पहले हम राइट साइड वाले टर्म को लेकर चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा गिवेन है 4/3 और बीटा है माइनस 1, तो माइनस 4/3। अब होता है सी बाई, अब राइट टर्म को लेकर चलते हैं, तो सी बाई ए, सी है माइनस 4 और ए इज इक्वल टू 3, इससे भी दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये सेकंड पार्ट वेरीफाई होगी।